So well morning everyone. I completely understand that if you are in class twelfth and you have to get up early in the morning Sunday go or 10 baje aisa koi session attend karna pade, to energy is definitely kam hogi. But I can still expect a better morning and I can expect a morning from everyone online. अगर online मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ. I repeat. अगर online मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ. So quickly go on the chat box and type an S for Sunday. So all the online students अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है मैं दिखाई �

क्योंकि मुझे याद है जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था 2005 में तो मेरे सामने भी यही क्वेश्चन था दैट ईच वन ऑफ अस इन क्लास वेदर वी आर अ पेरेंट और वी आर अ स्टूडेंट टारगेट सिर्फ टू स्कोर गुड मार्क्स गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर अब ये वाला जो प्रॉब्लम है गुड स्कोर का ये गुड स्कोर का मैं देखता हूं ये प्रॉब्लम दो से यह ठीक हुआ ही नहीं ईच वन ऑफ अस अ गुड स्कोर बट हां एडवांटेज सिर्फ ये है

तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन बिल्कुल नींद में सारे तो जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज अ गुड स्कोर किड्स कम नाइनटी नाइन परसेंट सो सर से नाइन इज अ गुड परसेंट गुरनूर से गुड स्कोर और मेरा क्वेश्चन है आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से वाई डू यू वॉन्ट अ गुड स्कोर टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज अब मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगता था दैट अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज आई रिपीट अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज बट अनफॉर्चुनेटली दिस ड्रू एट माई पॉइंट ऑफ टाइम एटी फाइव वॉज अ गुड स्कोर बिकॉज एट एटी फाइव आई वॉज एबल टू क्लियर अ कट ऑफ यू स्कोर एटी फाइव यूल कट ऑफ इन टू पीसेस एट एटी फाइव माई पेरेंट्स और रनिंग इन द स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स के मेरे बच्चे का डिस्टिंक्शन आया है आप 85 स्कोर करो आपके पेरेंट्स आपके पीछे पीछे भाग रहे होंगे बट पॉइंट क्या है हर किसी को एक अच्छा स्कोर चाहिए बिकॉज यू बिलीव एंड आई बिलीव दैट अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज अब जेनरेशन में चेंज क्या है दो हजार पांच में वीगा इज मेड आर करियर बाय चांस आई रिपीट वीगा इज मेड आर करियर बाय चांस और ये जो जेनरेशन है 2022-2023 वाली यहां पे करियर्स आर नॉट मेड बाय चांस इट इज मेड बाय चॉइस एंड आइदर देर आर नो चॉइसेस और देर आर टू मेनी चॉइसेस आई रिपीट आइदर देर आर नो चॉइसेस और आर टू मेनी चॉइसेस बट आज भी एजेंडा वही है दैट अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज अब गुड कॉलेज के कुछ नाम पता चलेंगे कम ऑन हमें यह बता हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए क्योंकि हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो अब ये कॉलेज के नाम भी बता दो आई आई टी रोडकी आई आई टी डेली ओके एस आर सी सी डी टीय सो आई थॉट हम यहां पर जब बात कर रहे हैं हम साइंस स्टूडेंट है कॉमर्स भी है साइंस स्टूडेंट है ना इन ओके हंसराज एम आई टी एस आर सी सी अब ये एमआईटी बहुत इंटरेस्टिंग है जो है ओके स्टूडेंट वॉट इज अ गुड स्कोर नाइनटी फोर नाइनटी फाइव और ये कॉलेजेस आ रहे हैं एस आर सी सी एम आई टी और आई आई टी नाउ अनफॉर्चुनेटली वेन यू अप्लाई फॉर एन आई आई टी फॉर यू अप्लाई फॉर अंसराज और यू अप्लाई फॉर एन एम आई टी नो वन विल चेक अर्सेंटेज एवरी वन विल चेक अर्सेंट टाइल आई रिपीट नो वन चेक अ परसेंटेज एवरी वन विल चेक अर्सेंट टाइल तो कल से भगवान से यह प्रेम हमारा अच्छा स्कोर है भगवान से यह प्रे करो कि दूसरों का इतना अच्छा ना बिकॉज यू डोन्ट फाइट फॉर नाइनटी नाइन यू फाइट फॉर दैट वन मार्क दैट वन मार्क नीड्स टू बी बेटर दैन अदर्स इमेजिन जो आप लोग आई के बारे में बात कर रहे हो लास्ट ईयर जेई एंट्रेंस एग्जाम वॉज गिवन बाय एप्रोक्सी नाइन लाख सिक्स स्टूडेंट्स आई रिपीट नौ लाख साठ हजार बच्चों ने ये जेई e. का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और हम लड़ रहे हैं आई आई टी ट्रिपल आई टी एन आई टी और मैथी की आई आई टी डेली आपने सिर्फ कुछ आई आई टीस के, नाम मैं, IITs के नहीं। मैं तो इनफैक्ट बात कर रहा हूं टू बी वेरी सॉरी ट्रिपल आई एनआईटी अगर मैं सब कुछ मिला लू तो देर आर अबाउट सेवेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कॉलेजेस में थर्टी थ्री थाउजेंड सीट है जिसका मतलब यह है कि नाइन पॉइंट सिक्स लाख स्टूडेंट्स में से आई रिपीट नाइन पॉइंट सिक्स लाख स्टूडेंट्स में से तैंतीस हजार बच्चों का एडमिशन होगा 9.3 लाख स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा तो गलती से अगर आप संडे मॉर्निंग को इस पर्पस से आए हैं कि हम एस आर सी सी जाए हम आई आई टी जाए हम एम आई टी जाए आई एम सॉरी वो सॉल्यूशन आपको आज नहीं मिलेगा मैं तो सिर्फ ये सॉल्यूशन दे सकता हूं कि अगर आई आई टी नहीं हुआ तो क्या होगा अगर एम आई टी नहीं हुआ तो क्या होगा क्योंकि मैं ये जानता हूं कि 9.3 लाख स्टूडेंट्स मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका होना ही सो दिस सेशन इज नॉट टू टेल यू हाउ टू गेट एन आई आई टी बिकॉज दैट इज टोल्ड टू यू सिंस एट स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड ए बी सी डी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बता चुके हैं आई आई टी इज द बेस्ट कॉलेज बट मेरा तो क्वेश्चन है कि अगर आई आई टी नहीं हुआ तो क्या होगा इज आई आई टी द एंड ऑफ द लाइफ और आप देखो ना ये नाइन पॉइंट थ्री लाख स्टूडेंट जो है और ये नाइन पॉइंट सिक्स लाख स्टूडेंट जो है या थर्टी थ्री थाउजेंड स्टूडेंट जो है इसमें दुनिया का पूरा संसार समा रहा है मतलब जनरल कैटेगरी एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी फिजिकली चैलेंट डिफेंस कोटा एनआरआई कोटा स्पोर्ट्स कोटा म्यूजिक कोटा सिख कोटा स्टाफ कोटा क्रिश्चियन कोटा गर्ल्स कोटा कश्मीरी माइग्रेंट्स पूरी दुनिया इसी में आ जाएगी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल द टॉप फाइव एवरग्रीन स्ट्रीम्स बट ये थर्टी थ्री थाउजेंड सीट्स में एरोस्पेस पेट्रोलियम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग मतलब फोर्टी फाइव डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स सब मिला के हैं सो द क्वेश्चन इज अगर नहीं हुआ तो क्या एंड नाउ आई टॉक टू द स्टूडेंट कम्युनिटी स्टूडेंट्सिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन अब संडे नींद खुली या नहीं खुली क्विकली गो ऑन द चार्टॉक्स एंड टाइप ऑफ वी फॉर विक्ट्री अगर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अगर रिलेट कर पा रहे हो जल्दी से जाएंगे चार्टॉक्स पे और टाइप करेंगे वी फॉर विक्ट्री Now the question is, this particular set of people who are sitting out here, do you know the percentile? What were the cutoffs? And what if you don't get into an IIT? और मैंने पिछले सत्रह सालों में तीन कैटेगरी ऑफ साइंस स्टूडेंट्स देखे हैं और जल्दी से चैट बॉक्स में बता देना कैटेगरी वन टू या थ्री कैटेगरी वन साइंस स्टूडेंट्स जो टेंथ स्टैंडर्ड में होते हैं और उन्हें साइंस बहुत पसंद होता है और साइंस पढ़ने के बाद जैसी वो इलेवेंथ में आते हैं उन्हें रियलाइज होता है ये तो वो साइंस है ही नहीं जो 10th में पढ़ा था ये तो जिंदगी का कुछ और सब्जेक्ट है और ट्वेल्थ में आते आते उन्हें लगता है अब जिंदगी में कुछ भी करेंगे बट आगे साइंस नहीं करेंगे तो हाउ मेनी ऑफ आर फ्रॉम कैटेगरी वन नो वन बॉक्स में भी कोई नहीं बता रहा या पेरेंट्स हैं पेरेंट्स इग्नोर कर दो थोड़ी देर जैसी एक अच्छा स्कोर आया पूरी दुनिया को लगा इंटेलिजेंट है और दुनिया को छोड़ो हमें भी लगा हम इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस कंट्री में क्या लेता है साइंस लेकिन okay. हम ये भूल जाते हैं कि पिछले सात सालों में जो सीबीएसई टॉपर्स है क्लास ट्वेल्थ के सिक्स आउट ऑफ दोन स्टूडेंट आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट बट नॉट ए प्रॉब्लम हमने तो साइंस लिया था क्योंकि हमारा अच्छा स्कोर आया था और अच्छे स्कोर का मतलब क्या है साइंस तो कैटेगरी टू वाले कौन कौन है प्लीज रेज योर योर हैंड्स और पुट इट ऑन द चैट बॉक्स आई अप्रिशिएट ऑनेस्टी कैटेगरी साइंस साइंस स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वो हैं जो ये कहते हैं साइंस इज इक्वल टू इंजीनियर और डॉक्टर नदियां मोड़ेंगे पहाड़ तोड़ेंगे कुछ भी करेंगे बट दुनिया में बनेंगे क्या डॉक्टर या इंजीनियर एंड ट्रस्ट मी बिलीव मी एंड मार्क माई वर्ड्स दो हजार तीन में जब मैं क्लास टेंथ में था मेरे सामने भी यही क्वेश्चन था साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज तो मैंने बताया तीन कैटेगरी ऑफ साइंस स्टूडेंट है एक मार्क्स की वजह से साइंस साइंस लेते हैं एक जिनको पसंद होता है है बट 11th में आते ही लगता है, गलती हो गई एंड थर्ड टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर उस मामले में मैंने जब कॉमर्स लिया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज सोच के कॉमर्स लेता है साइंस हमसे होगा नहीं ह्यूमैनिटीज हमने करना नहीं सो वट आर वी लेफ्ट विद कॉमर्स

साइंस नहीं करूंगा और जब कॉमर्स का रिजल्ट आया तो मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा हुआ तो तब भी कुछ नहीं बट मैंने क्या बोला आई एम फ्रॉम जनरेशन जहां पे वर मेड मेड बाय बाय चांस आज आर चॉइस इमेजिन 9.6 लाख पीपल विल अप्लाई फॉर अ एंट्रेंस एग्जाम ओनली 33,000 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट इट व्हाट अबाउट द अदर 9.3 लाख स्टूडेंट्स इमेजिन व्हेन यू अप्लाई फॉर मेडिसिन लास्ट ईयर पंद्रह लाख साठ हजार बच्चों ने ये नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और इस पंद्रह लाख साठ हजार बच्चों में टोटल इफ यू लुक एट इट 532 कॉलेजेस में सिर्फ 60 टू तो 70,000 थाउजेंड सीट एमबीबीएस की हैं मतलब 15.6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे फॉर व्हाट मेडिसिन और पांच कॉलेजेस में टोटल सिक्सटी टू सेवेंटी थाउजेंड सीट्स और हम जब एम्स के बारे में बात करते हैं सेवन कॉलेजेस ऑफ एम्स विल ऑफर ओनली 1107 सीट्स दैट्स इट इसका मतलब तकरीबन 15 लाख बच्चों का एडमिशन मेडिसिन में भी नहीं होगा सो अ सिंपल सिंसियर रिक्वेस्ट इज दैट टूडेज सेल्फ एज ऑन सेकंड ऑफ अप्रैल 2023, फिगर आउट अ प्लान ए फॉर योर फिगर आउट अ प्लान बी फॉर योर एंड फिगर आउट अ प्लान सी

सेवन साइकिल्स ऑफ एग्जाम्स चलो इसको नट सेल कर भी ले तो सिक्स का मतलब टोटल आपको इसका मतलब हर बारह दिनों में एक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला एग्जाम होगा अभी ट्यूशन की टेस्ट सीरीज मैंने बात ही नहीं करी और ये सारा एजेंडा किस लिए

9.6 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2.2 लाख स्टूडेंट्स लैख जेई एडवांस में ट्रांसफर करेंगे बाकी सब रह जाएंगे मेंस। अब इन्हीं 2.2 लाख में जनरल एससी एसटी सब कुछ होगा अब जब ये 2.2 पॉइंट स्टूडेंट्स लैख जेई एडवांस में चले जाएंगे सिर्फ टॉप 13,000 स्टूडेंट्स आई रिपीट सिर्फ टॉप थर्टीन स्टूडेंट्स सिर्फ टॉप थर्टीन थाउजेंड स्टूडेंट्स विल गो टू एन आईआईटी। इसका मतलब रिमेनिंग टू पॉइंट जीरो सेवन लैख स्टूडेंट्स रिमेनिंग टू पॉइंट जीरो सेवन लैख विल गो बैक टू जेई मेंस। उनका जेई एडवांस का अटेम्प्ट भी कंसिडर नहीं होगा दैट इज ऑफ नो यूज

98 परसेंटाइल का मतलब यू आर अमंग्स अमंग टू परसेंट ऑफ द पीपल अगर आप टॉप टू परसेंट ऑफ 9.6 पॉइंट सिक्स लैक्स तो इसका मतलब आपकी रैंक है कुछ दो के आसपास बट 19,200 लोगों में क्या आपका आई होगा नहीं क्योंकि 13,000 स्टूडेंट्स का आई खत्म हो जाएगा इवन टेक्सटाइल इंजीनियर एंड ऑल एंड ये 2023 है ये महाभारत नहीं है महाभारत में क्या होता है अर्जुन इज लुकिंग ओनली एट द फिश आई उसको फिश नहीं नजर आती उसको पेड़ नहीं नजर आता बट यहां पे अगर हम प्लान बी और प्लान सी क्रिएट नहीं करेंगे वी आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर सो जस्ट आई क्विकली टेल यू द नंबर्स अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम इट इज अबाउट थर्टी थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स गेटिंग इन टू द टॉप सेवेंटी सेवन कॉलेजेस फिफ्टीन पॉइंट लैख पीपल विल अप्लाई फॉर मेडिसिन बट मेडिसिन में जाने के लिए चाहिए क्या फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी फोर्टी फाइव फॉर्टी फाइव क्वेश्चन इच एक सौ अस्सी क्वेश्चन में हमारा कट ऑफ क्या है पहले तो जिपमेर का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था तो जिपमेयर का एंट्रेंस एग्जाम भी नीट का स्कोर होता है सो पीपल हु टू बी एन इंजीनियर यस जे इज योर फर्स्ट ऑप्शन बट वॉट वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वुड बी अर बिट्स पिलानी बिट्स मसेरा वॉट इज द थर्ड बेस्ट ऑप्शन थर्ड बेस्ट ऑप्शन इज समथिंग लाइक अ वेल्योर विच इज वी आई टी नॉट अवेल्योर व्हाट इज अ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन और अब तो आईपी यूनिवर्सिटी आई रिपीट आईपी यूनिवर्सिटी भी आपका जेई का स्कोर लेगा बट आईपी इज अ ब्लेसिंग टू यू बिकॉज एटी फाइव परसेंट सीट्स रिजर्व फॉर डेली आइट सिमिलरली लाइक डी टी यू डेली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड ये सारी महाभारत हम लड़ ही रहे थे एथ स्टैंडर्ड से बच्चों की ट्यूशन एग्जामिन कर रहे थे सडनली टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एक घोष्ट आया जिस घोष का नाम है सीयूटी नाउ व्हाट इज इज वन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम विच गिव्स एक्सेस टू मोर देन हंड्रेड यूनिवर्सिटीज बट व्हाट एग्जैक्टली इज सीयूटी सीयूटी का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है इस कंट्री में जो 54 फोर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है आई रिपीट कितनी 54. <laughs> वो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है, ऑल यूनिवर्सिटीज कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई रिजर्वेशन होती Now, इसमें जब कोई रिजर्वेशन नहीं होती है तो इसका मतलब कि स्टेट का डोमिसाइल कोटा नहीं लगता

कोई गलती से गुड़गांव या नोएडा तो नहीं पढ़ने जाताइटिंग फॉर अर्सेंटाइल सो दैट्स अबाउट इन टू एन आई आई टी सेवेंटी फाइव क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स फोर्टी फाइव डिफरेंट स्ट्रीम्स मकैनिकल सिलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेक्सटाइल

एच यू इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज इवन अबव डेली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का अपना एक आई आई टी भी है सो बाय एनी चांस आई रिपीट बाय एनी चांस अगर मेरा आई आई टी नहीं होता तो मेरे पास फिजिक्स ऑनर्स का ऑप्शन है अगर नहीं होता मेरे पास केमिस्ट्री ऑनर्स का ऑप्शन है अगर नहीं होता मेरे पास बायोलॉजी है बायो टेक्नोलॉजी है बॉटनी है बायोलाइफ मेडिकल साइंसेज है बायो इन्फॉर्मेटिक्स है बायो और फॉर दैट मैटर अगर मैं आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करना चाहता हूं क्योंकि पूरी दुनिया वही कह रही है गॉन आर दो वेयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वॉज इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर गॉन आर डेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज इक्वल टू सपोर्ट सिस्टम टूडे एवरी वन इज लुकिंग एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जिसके टोटल फोर स्टेप्स हैं जिसका पहला स्टेप है डेटा एनालिटिक्स जैसे ही डेटा एनालिटिक्स का स्टेप पूरा होगा उसका दूसरा स्टेप है डेटा साइंस जैसे ही डेटा साइंस का स्टेप पूरा होगा उसका तीसरा स्टेप है समथिंग इज कॉल्ड मशीन लर्निंग और जैसे ही मशीन लर्निंग का स्टेप पूरा होगा उसका चौथा स्टेप है इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन ये चार स्टेप्स जो लैडर के कवर करने हैं उसके लिए मेरे पास वे आउट क्या है द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली एन एंट्रेंस एग्जाम विच इज कॉल्ड जेई ऑब्वियसली बिट्स पिलानी ऑब्वियसली ऑब्वियसली

साइंस मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है आईआईटी चेन्नई का अपना डेटा साइंस का कोर्स होता है विचव है सेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट अ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड बीएससीन मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस और अ बीएससी इन मैथ प्लस फिजिक्स एंड दिस बोथ मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस मैथ्स प्लस फिजिक्स विल गिव यू आर लाइन फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉट कुड बी फोर्थ ऑप्शन माइ फोर्थ ऑप्शन इज टू गेट इन टू अर्स विदीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ना यू कैन अप्लाई फॉर एन आई एस आई विच इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ओनली अबाउट फोर्टी सीट इन द कंट्री बट देन दैकेजेस आर ह्यूज An Indian Statistical Institute in Kolkata, or for that matter, an Indian Statistical Institute, which is also located in Bangalore, or an Indian Mathematical Institute, which is located in Bhuneshwar. And they will have a separate entrance test. So on one hand, when I was looking at computer science engineering, I have an ISI, I have a mathematical science, I have a CMI, or for that matter, I can also appear for a CUET entrance exam because that will open my domain. All parents, हमारे जमाने का इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और मैथामेटिक्साटिक्स अगर मैं टेक्नोलॉजी जोड़ दूसरेटिकलटेंट एलगोरिथम और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सिस जोड़ दूं तो उसको कहते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वी नीड टू है बैकअप प्लान वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन आई आई टी

और फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी पांच सौ बत्तीस कॉलेजेस सत्तर हजार सीटें और बीडीएस की अगर मैं गिन तो छब्बीस हजार सीटें और बीडीएस डेंटल हम करना कौन चाहते हैं कोर्स राइट डेंटल तो हम बनना नहीं चाहते सो ओनली वन लाख स्टूडेंट्स दे कैन अकोमोडेट इन कंट्री बट हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट द सेम नीड का स्कोर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन मॉरिशियस मेडिकल कॉलेजेस सेम नीड का स्कोर

चौथा बायो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज इक्वल टू बायो प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच विल गिव यू अ कोर्स इन मेडिकल साइंसेज एंड स्पेशली आफ्टर कोविड इंटायर मेडिसिन इज इन द फील्ड ऑफ ए आई एंड टेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ फेंटेस्टिक कोर्स बट इंडिया में अगर आप करना चाहो तो वो आपको यूनिवर्सिटी मिलती है लाइक like प्लाक्षा क्ष साल पुरानी यूनिवर्सिटी है में, में इंट्रोड्यूस हुई है एंड कोर्स लाइक थे सातवां ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड ऑफ लिबरल आर्ट्स अब ये लिबरल आर्ट्स सुनते ही हमें लगता है कि ये तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए कोर्स है बट लिबरल आर्ट्स एज अ प्रोग्राम इज देयर फॉर एनी वन एंड एवरी वन हम जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं एज अ पेरेंट और स्टूडेंट

जिसमें से 18 टू 19 सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्टिव और 16 टू 20 सब्जेक्ट्स होते हैं सेलेक्टिव अब ये सेलेक्टिव और इलेक्टिव का मतलब क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स मुझे कंपलसरी करने ही पड़ेंगे बट कुछ सब्जेक्ट्स को मैं चॉइस कर सकता हूं नेक्स्ट बेस्ट एडवांटेज क्या है कि जितने भी लिबरल आर्ट्स के कोर्स हैं इस कंट्री में वो फोर ईयर प्रोग्राम है उस फोर ईयर प्रोग्राम से होगा क्या ट्वेल्व इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन फोर ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आपके अब्रॉड एडमिशन के अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे सो इमेजिन जहां मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सिर्फ आई के बारे में सोच रहा था आज मैं यहां से सात ऑप्शन लेके जा रहा हूं हर ऑप्शन में अगर मैं पांच से दस कॉलेजेस भी ऐड करूं तो आई हैव अबाउट टू कॉलेजेस कहीं तो होगा जहां मैं सिर्फ मेडिसिन के बारे में सोच रहा था आज बायोलॉजी की मैं नाइन स्ट्रीम्स लेके जा रहा हूं अगर हर जगह में पांच कॉलेजेस ऐड करूं आई अगेन हैव गुड इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग ऑप्शन बिकॉज यू डोंट नो परसेंटाइल बेसिस पे दूसरा कैसे प्रिपेयर कर रहा है चैट पीपल द ऑनलाइन पीपल एंड द क्लास रूम पीपल प्लीज गिव यस और समझ पा रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ चलिए माइक भी है गुड टेक्नोलॉजी सो दिस अबाउट दर सिस्टम टू गेट इन टू मेडिसिन एंड दिस बट उसके साथ एज अ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट ये जो लिबरल आर्ट्स की कहानी है ये जो आई आई टी की कहानी है यहां पर जाया कैसे जाता है इन दिस कंट्री ऑल एंट्रेंस एग्जाम इस कंट्री में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो ही पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है पहला पैरामीटर क्या होता है पहला पैरामीटर होता है नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम आई रिपीट पहला क्या होगा नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम इज व नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम वुड बी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स जो हम इलेवंथ और ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं और दूसरे तरीके का एंट्रेंस एग्जाम इस कंट्री में क्या होता है इस वर्ल्ड में क्या होता है एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम का मतलब हमारी बारी के बैंक के एग्जाम इंश्योरेंस के एग्जाम के एग्जाम वो जो होते थे उसका सिर्फ एक एक्सटेंडेड और डिफिकल्ट वर्जन सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल एंट्रेंसेज आर डिवाइडेड इंटू दीज टू कैटेगरीज नॉलेज बेस्ड एन एप्टीट्यूड बेस्ड अब अगर मैं लिबरल आर्ट्स के लिए जाता हूं तो कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी पहला एडवांटेज क्या है एडवांटेज यह है कि आपका फर्स्ट टर्म सितंबर में खत्म होगा और लिबरल आर्ट्स के कॉलेज के एडमिशन अभी जून में शुरू हो जाएंगे तीन महीने बाद इज इन दैट ऑसम आपके प्री बोर्ड के स्कोर से पहले आपके पास एक ऑफर लेटर होगा और कुछ नहीं हमें जिंदगी में ये तो बता है हमारा अशोका क्रिया नारसी मोहनजी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स सिंबाय स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स कहीं ना कहीं तो हो गया अब इससे अपग्रेड ही होगा जून 2023 में लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर अ बैच ऑफ टू थाउजेंड सो कूल अबाउट इट सेकेंड लिबरल आर्ट्स में जाने के लिए चाहिए क्या लिबरल आर्ट्स में जाने के लिए चाहिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ में प्रोफाइल क्योंकि मेरा वो दोस्त जो अभी भी ऑनलाइन वेट कर रहा है कि मुझे एमआईटी जाना है कुछ दोस्त जो यहां पे वेट कर रहे हैं कि हार्वर्ड वॉटन स्टैनफोर्ड जाना है कई लोग कनाडा के लिए और कई लोग कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं देखो दोनों अलग अलग है कैनेडा अलग है कनेडा अलग है यूएस में जिन लोगों ने सुना है कि आईवी लीग जाना है और यहां पे मेरा एक कजन गया सिंगापुर में हंड्रेड स्कॉलरशिप पे तो ये सब प्रोसेस होता कैसे है ये भी वही दही चावल दाल चावल चिकन खाते हैं जो हम खाते हैं बट हाउ डू दे गेट इन टू एन एडमिशन अब्रॉड बिकॉज अब्रॉड एडमिशन इज इज नॉट नॉट बेस्ड 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 ऑन ऑन नॉलेज अब्रॉड अब्रॉड एडमिशन एप्टीट्यूड आर बेस्ड ऑन टेन टू इलेवन पैरामीटर्स वो टेन टू इलेवन पैरामीटर्स कैसे डिवाइडेड है तो एमआईटी वाला दोस्त क्विकली जाएगा चैट बॉक्स पे और दोबारा से टाइप करेगा एमआईटी जिस जिस इंसान का यहां पे सपना है अब्रॉड एडमिशन का जल्दी से टाइप करेंगे ए फॉर अब्रॉड ऑन द चैट बॉक्स एंड अगर आप अब्रॉड का एक ऑप्शन भी रखना चाहते हो तो आप इसको ध्यान से सुनो और अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो मुझे पता है मास्टर्स में तो हर कोई बाहर ही जाए एटलीस्ट सपना तो देखेगा सपना तो हर कोई देखता है और अब्रॉड एडमिशन लेने के लिए योर एंटायर प्रिपरेशन नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर अकेडमिक्स नाउ वेन यू अप्लाई फॉर अकेडमिक्स अकेडमिक्स का मतलब है योर नाइन्थ का स्कोर योर का स्कोर योर इलेवेंथ का स्कोर और योर ट्वेल्थ का हाफ ईयरली अगर आपने ये चार 85 से ऊपर करे हैं यू आर एलिजिबल फॉर द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड नहीं करे हैं तो स्कूल में जाके हाथ जोड़ना पैर पकड़ना बटरिंग करना पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको कुछ स्कोर देंगे अभी मैं उसकी भी कहानी बताता हूं

बट एस किस लिए जरूरी है एसइटी जरूरी है फॉर एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या चाहिए होता है एसइटी के बाद नेक्स्ट बेस्ट चीज जो चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा नहीं एपीज एपीज का मतलब है एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट वॉट इज एन एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट इज अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या होगा योर कैलकुलस एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट यहां पे क्या चेक होगा आपका कैलकुलस चेक होगा कैलकुलस नहीं चेक होगा आपकी थ्योरी चेक होगी मुझे इकोनॉमिक्स करना है तो इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी चेक होगी मुझे इंजीनियरिंग करना है तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसियन लिमिट्स फंक्शन ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चेक होंगे मतलब कोर आपकी एजुकेशन एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट के बाद वीजा मैंडेट जो प्रोग्राम है जो वीजा मैंडेट अकेडमिक्स है उसको कहते हैं आइल उसको कहते हैं पीटी उसको कहते हैं डीलिंगो एंड अदर थिंग्स सो आइल्स पीटीई डी लिंग दैट मैटर यूके वी आई आइल्स एंड ऑल अलग अलग वर्जन है इसका मतलब आप अंग्रेजी सुन सकते हो आप अंग्रेजी समझ सकते हो आप अंग्रेजी बोल सकते हो और अंग्रेजी कॉम्प्रीहेंड लिख भी सकते हो इसको करने के बाद यह पता चल जाएगा कि आपका अकेडमिक्स ठीक है बहुत अच्छा है, या बहुत बुरा है अबाउट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द वेटेज

एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बाद समर यू यू वुड बी बी लिटिल विल करो दिश थर्टी फर्स्ट मार्च को अशोका यूनिवर्सिटी का समर स्कूल खत्म हो गया लोगों ने अप्लाई किया एंड यू ऑल कैन ऑल्सो अप्लाई टू वेरियस समर स्कूल अब देखो सिंगापुर का एक समर स्कूल है जो सिर्फ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर का है एंड दैट टू एनएस विच इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर विच इज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इमेजिन थाउजेंड रुपीज में आप सिंगापुर का समर स्कूल अटेंड करके आ रहे हैं नहीं फ्लाइट और वो टिकटें अलग लगेगी बट सिंगापुर में नौ दिन का कोर्स इट इज वेरी काशोका फोर्टी फाइव थाउजेंड का है टेक्नोलॉजी वाला समर स्कूल सेवेंटी थाउजेंड का है और वो भी सिर्फ पांच दिन नौ दिन या बारह दिन का सो समर स्कूल्स के बाद अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो ऑल्सो अपियर फॉर अ रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर का मंदर लिखना पब्लिश करना और रिकमेंड करना उसके बाद हैव यू रिटर्न अ बुक और नॉट अ बुक आपने लिखी है या नहीं लिखी वॉट इज अ प्रॉब्लम नो आइडिया ओके आई थिंक ये भी थक गया है तो देन यू राइट टू ऑक्सफ़ोर्ड समर स्कूल गर्व सिंह सो बेसिकली समर स्कूल विल ऑल्सो गिव यू सम ग्रेड्स समर स्कूल के बाद

तीन तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स नॉन क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स या फिर प्रोफाइल बिल्डिंग सर्टिफिकेशन कोर्स गूगल गैराज माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेरा ये सब सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्टी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है एडेक्स कोर्सेज में जाते हैं एडेक्स कोर्सेज में सर्टिफिकेशन की वैल्यू है सो वेदर यू अप्लाई फॉर अ रिसर्च पेपर वेदर यू पब्लिश योर ओन बुक और यू डू एन इंटर्नशिप और फॉर दैट मैटर यू डू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी सर्विसेज कम्युनिटी सर्विसेज करो इंटर्नशिप करो सर्टिफिकेशन करो या फिर ओलंपियाड या कंपटीशन में पार्ट लो ये सब करने के बाद आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है नटशेल एक ही है कि आप दूसरों से अच्छे कैसे हो आइडिया ये है कि समर वेकेशन में क्या कोई चार पांच चीजें कर सकता हूं सब तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि जो सब कर सकते हैं वो नाइन्थ स्टैंडर्ड और टेंथ स्टैंडर्ड में होते हैं वो एक एक दो दो तीन तीन साल इस पर मेहनत करते हैं वट एज गॉन इज गॉन बट क्या मैं इसमें से दो तीन चार या पांच चीजें कर सकता हूं एंड दैट इज माई प्रोफाइल लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास होगा एसेज आपने कितने अच्छे एसेज लिखे हैं एसेज के बाद आपने कितना अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखा है आपके स्कूल ने आपको क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया है दिस इज हाउ योर एंटायर प्रोसेस फॉर कैनेडा यूएस आईवी लीग वॉर्टन हार्वर्ड स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन होती और इन्हीं बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है सो इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव क्रिएटेड अ कैलेंडर फॉर सेल्फ या तो मैं जून अटेम्प्ट आई रिपीट या तो मैं जून अटेम्प्ट या फिर मैं सितंबर अटेम्प्ट में अपना एक एग्जाम देता या फिर अपना प्रोसेस शुरू कर देता फॉर लिबरल आर्ट्स मैं अपनी सीट सिक्योर कर लेता बाय एनी चांस अगर मैं उस कैटेगरी में हूं जो हम अभी बात कर रहे थे साथ में जून में मैं कुछ ना कुछ प्रोफाइल के चार पांच पॉइंटर्स भी कर लेता सितंबर में आपकी अब्रॉड एजुकेशन की एप्लीकेशन शुरू हो जाती है इसको कहते हैं अर्ली एप्लीकेशन और जो सितंबर में अर्ली एप्लीकेशन होंगी उसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ एडमिशन और स्कॉलरशिप्स होते हैं यूके के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन लगता है विच इज कॉल्ड यू कैनेडा में या तो आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं या प्रोवियंस में अप्लाई करते हैं यूएस का भी बड़ा सिमिलर सा सिस्टम है तो यहां पे मैं सितंबर में अर्ली एप्लीकेशन में अप्लाई कर देता और जनवरी में जनवरी में मैक्सिमम फेबर में मेरे पास ऑफर लेटर आ जाता अगर मेरे ऑफर लेटर में स्कॉलरशिप्स होती अगर मेरे ऑफर लेटर में इंटर्नशिप uh, 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 होती अगर मेरे ऑफर लेटर में वर्किंग परमिट्स होते अगर मेरे ऑफर लेटर में को -op वाला ऑप्शन होता कनाडा का तो मैं जाता नहीं तो मैं इसको ड्रॉर में रखता और मैं फोकस करता अपने सीबीएसई पे और सीबीएसई वाले एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इन द मंथ ऑफ मे मेरा आईवी लीग में हो रहा है तो दिल्ली और इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम्स बाय बाय अगर मेरा स्कॉलरशिप के साथ हो रहा है इंडिया नॉट इंटरेस्टेड अगर मेरा अब्रॉड में बहुत महंगी एजुकेशन है बट इंडिया में मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है आई वुड हैव टेकन इट बिकॉज यूर क्लास ट्वेल्व का हाफ ईयरली का स्कोर ज इंपॉर्टेंट वाई क्लास ट्वेल्थ का हाफ इकोर इज इंपोर्टेंट बिकॉज स्कूल कार्ड वो कहेगाट इज अ प्रोसेस टू चेज योर ड्रीम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन मेडिसिन प्लस टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज फैक्टर्स नन द लेस अब वो प्राणी जिन्होंने साइंस लिया और ये रियलाइज किया ओहो हमसे तो गलती हो गई यू ऑल कैन अप्लाई फॉर अ स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स वो स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स क्या होते हैं योर ब्रेन इज टू पार्ट्स आइदर लिंग्विस्टिक और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एंट्रेंस एग्जाम कौन से होंगे आई एम्स आफ्टर क्लास ट्वेल्थ अब आई एम्स तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई करता है इंजीनियर भी बाद में एमबीए करता है <laughs> डॉक्टर भी एमबीए करता है इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर और कुछ नहीं तो एमबीएन फाइनेंस एमबीएन मार्केटिंग पूरी दुनिया ही कर रही है और कोविड के बाद एमबीएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैथमेटिक्स वाले लोग एमबीएन हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आप तो रोज ही अर्थ कोई कर रहे हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है तो नुकसान से भी लोगों का फायदा एमबीए राइट आफ्टर क्लास ट्वेल्व डजेंट नीड एनी स्ट्रीम

आपका ड्रीम कॉलेज आईआईटी चेन्नई आल्सो गिव्स यू अ कोर्स एंड इसका एक एंट्रेंस एग्जाम अलग होगा इमेजिन करो सिर्फ दो हजार से ढाई हजार लोग एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे इसको एच एस एस सी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम एंड दिस विल टेक यू टूवर्ड्स डेवलपमेंट स्टडीज डेवलपमेंट स्टडीज डिजास्टर मैनेजमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लैंग्वेज को मिला के लिबरल आर्ट्स बनाया हुआ है आप डिबेटिंग करते हो एमयूएंस करते हो

दूसरा इसकी फीस द फीस इज माइनस फाइव थाउजेंड टू माइनस सेवन थाउजेंड सो यू डोंट पे टू द कॉलेज कॉलेज पेज यू ओब्रॉयज उदय विलासोज रामविलास इन इन सारे होटल्स के अंदर आपका कॉलेज चलेगा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दे गारंटी योर जॉब फॉर मिनिमम थ्री इयर्स राइट आफ्टर वेन यू क्लियर द कॉलेज इसके अलावा एनसीएचएम जेई नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इसके अलावा यू गॉट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू आईपी यूनिवर्सिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी वेलकम ग्रुप ये सारे आपको होटल मैनेजमेंट कराएंगे इवन आई एच एम औरंगाबाद इसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है दैट इज कॉमनली नोन एज ताज ग्रुप तो अगर गलती से ये किचन कौन सा मास्टर शेफ वगैरह से इंस्पायर्ड हो तो दैट इज वन पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट बट होटल मैनेजमेंट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू ओनली टू किचन इनफैक्ट एज अ साइंस स्टूडेंट यू कैन गेट इन टू बी एस सी इन हॉस्पिटैलिटी विच इज फूड एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स सो ऑप्शन आर नॉट लेस इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट

अनुभव रखेजा डॉट कॉम पे सिक्सटी मिनट्स का सेशन है विच इज एट अ वेरी चीप प्राइस आउट पिज्जा विच इज कॉल्ड टू थाउजेंड प्लस जीएसटी अगर आप बाय एनी चांस मेरे सेशन से सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि क्या हम सब ग्रुप पे बैठे हैं प्रॉब्लम फॉर वन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एवरी वन गिव मी आंसर ये सो नो वन करियर पाथ कैन नॉट बी कॉमन फॉर एवरी वन ये सोनो सो दिस सिक्सटी मिनट सेशन इज इक्वल टू टू थाउजेंड प्लस जीएसटी चार्ट कि वो टॉप ट्वेंटी या टॉप ट्वेंटी आपके कौन से हैं मैथ्स फिजिक्स ओरिएंटेड बायोलॉजी एंड ओरिएंटेड नॉन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम न्यूट्रल जो भी आपका इंटरेस्ट है जो हम बात करके निकालेंगे उसके कुछ कॉलेज ऑप्शन और बाय एनी चांस सिक्सटी मिनट्स के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हंड्रेड परसेंट रिफंड स्टार्टिंग पॉइंट उसके बाद वी कैन ऑलवेज है डिस्कशन

चलिए अभी हमारे पास कुछ दस मिनट पंद्रह मिनट है प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन एवरी वन हु ऑन द चैट बॉक्स एवरी वन हुज सिटिंग ओवर हेयर आई वुड लव टू आंसर दिस बट इवन बिफोर आई गो हेड आई वॉन्ट एवरी वन टू गो ऑन द चैट बॉक्स एंड टाइप आई यू अवेक और नॉट और जल्दी से एक फीडबैक दो हाउ वॉज द सेशन गुड बैड अगली कम ऑन जी साइकोलॉजी इंडिया in में टोटल चार स्पेशलाइजेशन के साथ होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये चार साइकोलॉजी बेसिक कोर होती है बट आज की दुनिया में 2023 में यू कैन ऑल्सो गेट इनटू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और अगर आप साइकोलॉजी आज की दुनिया में देख रहे हो और नॉन साइंस कोर्स करना चाह रहे हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस करके भी एक कोर्स होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अकंपनी करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बोलेगा वो कोडिंग और टेक्नोलॉजी है बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स क्या देगा वो साइकोलॉजी है ठीक है तो एमजी हेक्टर में जब बोलते हो सनरूफ

राइट right? तो ये क्विक रिस्पॉन्स जी मैम यू वॉन्ट डू मास्टर्स इन जर्मनी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप ग्रेजुएशन इन जर्मनी करो या मास्टर्स इन जर्मनी करो एज एन इंडियन स्टूडेंट जर्मनी ऑफर्स यू एजुकेशन एट अ वेरी चीपर प्राइस एंड सम कॉलेजेस विल ऑल्सो ऑफर यू इंजीनियरिंग मकैनिकल इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ मकैनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोब इंजीनियरिंग यह सब फ्री में भी होता है जर्मनी में लेकिन जो फ्री में होता है वो बहुत ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है काउंसिलर्स बहुत झूठ बोलते हैं

अभी कैसे अप्लाई करें इंटर्नशिप? आप एक बार उंट तो तो yes. कामल कौन सा द्वारका आनंद केतन वो थोड़ा सा मुश्किल है द्वारका तो फिर भी हो जाएगा द्वारका में साक्षी काउंसलर है मैथ्यू सर काउंसलर है और वहां पे ना कोई अंकित है शायद आपके आनंद केतन में बाल भारती नहीं कुछ नहीं होगा बेटा थोड़ा सा अपने आप ही मेहनत करो हाँ या पेरेंट्स पेरेंट्स को बोलो थोड़ा सा एक दो बार जाएंगे बट हो जाता है स्कूल विल नॉट मेक इट डिफिकल्ट बिकॉज़ स्कूल्स आल्सो वांट दैट यू शुड अगर आप एक सिस्टमैटिक वन ईयर रोडमैप बनाना चाहते हैं अपने लिए

तो जिनका सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो और भी एडवांटेज एक ही में यूज़ कर पाओगे। उसमें आपको एक कोटा के भी बहुत सारे होते हैं मेडिसिन में तो वैसे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में किसी काउंसलर की हेल्प लेना क्योंकि हर स्टेट में अलग डोमिसाइल सेलेक्ट होता है डोमिसाइल के कुछ थर्टी थ्री पॉइंट होते हैं सर किसके पास जाना है स्कूल में किसी के पास नहीं बेटा मार्क्स को ठीक करो के और नाइन्थ और इलेवंथ के लिए एक बार पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो कि वो स्कूल में जाए जब प्रिडिक्टिव स्कोर कार्ड हो बाकी जब वन टू वन सेशन के लिए आओगे तो आई हेल्प यू मोर बंद हो चुके हैं लास्ट ईयर बंद हो चुका है आप केवीपीवाई दे सकते हैं एसेट का ओलंपियाड दे सकते हैं एसएफओ दे सकते हैं आई एमओ दे सकते हैं आई एसओ दे सकते हैं वो बहुत सारे हैं एक बार आप जब आएंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन जान बहुत सारे हैं बट एन टी एस सी वॉज क्लोज लास्ट ईयर के डी पी वाई दीजिए प्रकाश जिए हाँ तो टेंथ तो 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 में है ना मैम टेंथ में किसी को क्या बताते हैं इंजीनियरिंग करनी है नहीं करनी है ऐसे नंबर बताऊंगा बच्चा साइंस छोड़ देगा तो इसलिए आकाश प्रिपेयर करा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे मैं भी हूँ आई रिस्पेक्ट चौधरी साहब एंड आई रिस्पेक्ट द दर पर्पज बिकॉज दे आर डूइंग सम सम ग्रेट वर्क दैट इज अ रीजन दे एग्जिस्ट बट एट द एंड ऑफ द डे यूनिट टू रियलाइज दट एन टी एस सी के अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं केवी नहीं बताऊंगा ओलम्पियास <laughs> नहीं बताऊंगा तो आप टेंथ में क्यों एनरोल करोगे एक साल बात करोगे so मुझे ये पता है के में तो अगर हो सकता है किसी और ने आपको ज्वाइन कर लिया तो या किसी और जगह ज्वाइन कर लिया सो वट यू आर डूइंग इज दे आर होल्डिंग यू इन टेंट एन टी एस सी डिड नॉट है इन्फॉर्मेशन नहीं वन एनी वन एल्स अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं वन टू वन क्वेश्चंस हैं आप मेरे से बाहर पूछ सकते हैं अगर आपके इतने क्वेश्चंस नहीं है फिर दो ही चीजें होंगी या तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया मैंने पिछले एक घंटे क्या बोला या आपको इतना अच्छा लगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस ही नहीं बचे स्पीकर वॉज सो गुड तो आई वुड स्टिल लिव माई वर्ल्ड विद द सेकंड ओपिनियन राइट दीज आर माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर आप... हांजी डांड बोलो ओके एंजल फेंटास्टिक लिबरल आर्ट्स आई थिंक आई मिस दिस आउट आर्ट्स इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन एन एडमिशन प्रोसेस जो आपका अब्रॉड में होता है तीन से पांच एस होंगे वो आपके एप्लीकेशन एप्लीकेशन <laughs> में होंगे एक बार जब आपका एप्लीकेशन हो जाएगा एप्लीकेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा फॉर द नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट राउंड में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एक वैट होगा वैट और एक्सटेम्पो एक ही बात है वैट इज रिटर्नबिलिटी टेस्ट आपको एक टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको फिर एक ऐसे लिखना पड़ेगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा मैक्सिमम लिबरल स्कूल, स्कूल प्योर एप्टीट्यूड टेस्ट पे डिपेंडेंट है ठीक है सर कैन यू गाइड विच इज बेटर फिट जी ऑर एमसी वंश आई हम आई द प्लेसेस आई डोंट नो बट इफ यू आर गेटिंग पीतमपुरा

ऐसी चीजों में आर्टिफिशियल साइंस इट इज अस रिस्पॉन्सिवनेस विद टेक्नोलॉजी जो बायो लाइफ में जो जो बायो होता है वही आर्टिफिशियल साइंस होता है स्कोप ऑफ जुडिशरी फॉर साइंस स्टूडेंट्स ओ फैंटेस्टिक क्वेश्चन नाउ स्कोप ऑफ जुडिशियरी फॉर साइंस स्टूडेंट्स में बता देता हूं एज अ साइंस स्टूडेंट इफ यू गेट इन टू साइंस यू डू एनी साइंस कोर्सेस तो जुडिशरी आगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे या तो तीन साल वाला ऑप्शन होगा या फिर लॉ करने के बाद आप जैग में जा सकते हो जज एडवोकेट जनरल जो डिफेंस सर्विसेज में भी लॉ होता है इवन फॉर दैट मैटर पेटेंट्स एंड कॉपी राइट इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी साइंस स्टूडेंट्स ही होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड लॉ हो पेटेंट से रिलेटेड लॉ हो कॉपी से रिलेटेड लॉ हो वो मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट्स ही डॉमिनेट करते हैं ऑल योर साइंस ऑल योर मेडिसिन पेटेंट एंड कॉपी राइट गानों के म्यूजिक को भी पेटेंट और कॉपी राइट किया जाता है परफ्यूम इंडस्ट्री तो बॉटल के डिजाइन से लेकर परफ्यूम के केमिकल तक सब पेटेंट और कॉपी राइट होता है सो एज असूडेंट पेटेंट्स एंड कॉपी राइट इज समिंग वॉट यू कैन गेट इन टू जुडिशरी यस सर सर कॉपी राइट क्या होता है uh, मेरा नाम अनुभव है और कोई नहीं यूज कर सकता या फिर मेरा, मेरी, मेरी कंपनी का नाम करियर लाइब्रेरी है ये रजिस्टर्ड है अब करियर लाइफ बहुत लोगों का नाम भी अनुभव हो तो वो भी अगर, अगर अपना ये नहीं अरे नहीं, नहीं, अरे अरे मजाक अरे वो रियल नहीं लेते इसको जैसे मैं बताता हूं क्रो, क्रोसिन ये सब बुखार के सेम सॉल्ट्स हैं लेकिन किसी में कुछ परसेंटेज ज्यादा है किसी में कुछ परसेंटेज कम है उनका जो सॉल्ट और मिक्सचर और सोल्यूशन होता है उसका पेटेंट और कॉपीराइट होता है वो पेटेंट कॉपीराइट होता है

अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स में भी कोर्स कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन जेंटलमैन और मैम एनीथिंग यू टू से माइक पे कोई बोल रहा था मैंने म्यूट कर दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस तो है ही एरोस्पेस एस्ट्रोफिजिक्स पेट्रोलियम पेपर एंड पल्प टेक्सटाइल मोटर्स ये सारे ऑप्शन है आपके पास कार डिजाइनिंग एंड ऑल स्पेशली जब से एप्पल और गूगल कार में आ रहा है तब तो और एडवांटेजेस हैं एनी अदर सो आई थिंक थैंक यू फॉर जी कंप्यूटर साइंस में सर मैथमेटिकल कंटेंट कम होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैथमेटिकल कंटेंट ज्यादा है एट अ सर्टन लेवल आफ्टर बींग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस वाले लोग और ऊपर नहीं बढ़ पाए और कंप्यूटर साइंस वाले नहीं बढ़ पाएंगे बट कंप्यूटर इंजीनियर वाले और भी ऊपर बढ़ पाएंगे ए आई में मास्टर्स वैसे भी आपको इंडिया में सिर्फ आई आई टी चेन्नई या ब्रिट्स की कॉलेजेस मिल रहे हैं अभी कुछ है हाँ हाँ वो मास्टर्स है ना मास्टर्स बाहर करना चाहे तो आप स्टार्ट कर सकते हो बट अगर आप ए आई एम एल वगैरह देख रहे हो तो रिसर्च पेपर जरूर लिखिए टाइम से चाहे अभी लिखिए कॉलेज में लिखिए इट इज गुड गूगल में जॉब करने की कोई क्राइटेरिया नहीं है बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट में चले जाओ कंटेंट वाले लोग गूगल में जाते हैं डिजाइनिंग वाले लोग गूगल में जाते हैं अगर आप डिजाइनिंग में हो क्रिएटिव में हो तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है यूसीड यूसी डबल यूडी इसमें इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग होता है जो आपकी डेट में आज की डेट में आप यू और यूएक्स देखते हो ना कि यूजर इंटरफेस क्या है यूएक्स क्या है ऐप कैसे बनता है ये सारे आई में यूसीड का कोर्स होता है जिसका आई आई मेन से कोई लेना देना नहीं है अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है तो जो भी डिजाइनिंग वाले क्रिएटिव लोग हैं वो यूसीड का पेपर दे सकते हैं अब ये वाले लोग भी गूगल में चाहिए गूगल में तो पी ऑन भी चाहिए और गूगल में आपको डेटा वाले लोग भी चाहिए क्योंकि सारा गूगल डेटा पे काम कर रहा है इसके अलावा गूगल में आपको आ, इंजीनियर्स भी चाहिए बट सबसे ज्यादा वैल्यू तो देखो आज की डेट में ए आई और डिजाइन का ही है क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छे इंजीनियर्स हो लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का यू और यूएक्स अच्छा नहीं है यू फेल टू डिलीवर और कई यू आई यूएक्स इतने अच्छे हैं लेकिन फिर भी यू नो द रीजन आई फेसबुक एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द यू आई यूएक्स ऐसी बहुत सोशल मीडिया यू नो वेबसाइट्स हैं

इंजीनियरिंग करने के लिए बता दीजिए तो हो गया और और क्या होता है एग्जाम्स डू आई प्रिपेयर टू एक्स क्लैट के अलावा लॉ के लिए लॉ में पांच एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया में जो आप अप्लाई कर सकते हो एक है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दूसरा है एम महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तीसरा है एल चौथा है स्लैट सिम्बैस लॉ एडमिशन टेस्ट और पांचवा है आईलेट ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एनएलयू दिल्ली ये पांच मेन एंट्रेंस है इसके अलावा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लेकर महर्षि देर यूनिवर्सिटी सब कराते हैं बट ये पांच सबसे मेन है आप एमयू एंड डिबेटिंग वगैरह में अच्छे हो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह कुछ देख रहे हो आपने लिबरल आर्ट्स के सारे नोट्स बनाए थे इसलिए पूछ रहा था बताओ हाँ तो कोई बात नहीं बॉटनी लाइफ मेडिकल साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मत देखो सर जी सर वो सिंगापुर का समर स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है हो गया है शुरू Sir, अरे एनयूएस पे जाओगे एनयूएस की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे हो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर गायत्री आर्किटेक्चर के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं एक आपको चाहिए होता है मैथ्स दूसरा आपको चाहिए होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिजिक्स आपको चाहिए कंपलसरी जेई का एंट्रेंस एग्जाम नाटा का एंट्रेंस एग्जाम आई रिपीट जेई नाटा और ये दो सृष्टि कॉलेज ऑफ डिजाइन ये तीन एंट्रेंसेज़ है वॉट यू नीड टू अप्लाई ओके। प्लीज राइट डाउन योर नेम योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो चैट बॉक्स में है प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर क्विक और सेंड मी ऑन दिस नंबर आप नेम कांटेक्ट नंबर उस पे लिखोगे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जितनों ने भी ये सेशन अटेंड किया है ऑनलाइन प्लीज सेंड मी अ हाय ऑन दिस नंबर विच कॉलेज कैन बी अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर बेटा जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दो उसके बाद जो रैंक आएगी ऑटोमेटिकली हर कॉलेज में चली जाएगी सर 4-5 महीने में एक्स्ट्रा करिकुलर का ये हो जाएगा मतलब प्रिपेयर जो मैंने लिखे वो नौ पॉइंट्स लिखे हैं आपको टॉप तीन या चार उठाने हैं सारे नहीं करने हैं बेटा ओके सर या एनीवन यस मैम मिनिमम इंटर्नशिप्स वन हाँ हाँ बीस घंटे से ऊपर हो अरे तुम इंडिया में अप्लाई करते हो पापा से पूछो वो दो चार लोगों को जानते होंगे जो ऐसी सर्टिफिकेट क्या बाहर करना है कहा से है है सर्टिफिकेट आपने क्राउड फंडिंग की इंटर्नशिप नहीं करी फिर वो आपने कम्युनिटी सर्विस ने कराया कम्युनिटी सर्विस एंड आर टू डिफरेंट थिंग्स इसको प्रोजेक्ट कैसे करना पड़ेगा और दैट इज ऑन योर काउंसलर कि वो प्रोजेक्ट कैसे करता है योर क्राउड फंडिंग इज कम्युनिटी सर्विसेज योर सर्टिफिकेशन एंड इंटर्नशिप शुड भी रिलेटेड टू द कोर्स वॉट यू वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद इंग्लिश ऑनर्स आई वुड हैव डन आई इंटर्नशिप विद कॉन्टेंट डेवलपमेंट I want to get into engineering. I would have done my internship with Wipro Infosys TCS. I want to do something with AI and ML. I would have done internship with some data analytics. That your internship is not internship, that is community services. Crowdfunding raising will come under the category of community services. I wanted to know. I mean, you talked about all these people in. They need to have very good scores for their 9th, tenth, eleven, and twelve. What about students who are average when it comes to their academics? Ah, uh, no, no, what no, they no, no. I think are there are two things. Either I have spoken wrong, or it has been understood wrong. So, these you... are three. These are three parameters. Someone who is not great at this will focus on these two. Someone who is not great at this will focus on these two. So, what if uh, the person is not good at any of these? So, so ma'am, everything will not end up into Harvard, Wharton, Stanford, Boston, yeah. London School of Economics. Then you will have got King's College London. Then you've got Bath, which is the next best. If King's and Bath is not the not what you're getting, then you will come down a little lesser. So ultimately, आपको यही compare करना पड़ेगा. ये सुनने में नाम आपको जितने difficult लग रहे हैं उतने हैं नहीं. क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं तो आप MIT में जाएंगे. आप थोड़े अच्छे हैं तो bits Pilani और Vellore और में जाएंगे. आप और अच्छे हैं triple तो IT और NIT में जाएंगे. आप बहुत अमेजिंग है तो आप डी में जाएंगे और भगवान ने अगर आपको कुछ अलग ही बनाया तो आप आई में जाएंगे तो वहां पर भी तो नाम ऐसे ही चेंज होंगे बस इवेंचुअली हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है जब ट्वेल्थ में 62 आने के बाद दुनिया को, -को गाइड कर सकता है तो फिर ये बच्चे तो कर ही सकते हैं राइट सो थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक ऑडियंस एंड अ पेशेंट लिसनर आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मॉर्निंग मैंने आपका संडे खराब नहीं किया एंड आई होप टू सी यू इन वन टू वन काउंसिलिंग सेशन है Parting is the most important part when the student is in class 12th rest we will take care of it thank you